लगातार 5 दिनों तक प्रयागराज में आयोग के बाहर धरना देने के बाद आखिरकार योगी सरकार पीसीएस और आरओ एआरओ अभ्यर्थियों के आगे झुक गई। शुक्रवार को यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आई। प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में निर्धारित है। पहली पाली परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 शाम से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, हालांकि अब परीक्षा एक ही दिन में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा के एक दिन में करवाने और नॉर्मलाइजेशन लागू न करने की मांग को मान लिया था। हालांकि आरओ एआरओ परीक्षा के लिए ऐसी घोषणा नहीं की गई थी। पहले पीसीएस परीक्षा 22-23 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब ये एक ही दिन 22 दिसंबर को होगी। आयोग की वेबसाइट पर जारी एक नोटिस के अनुसार यूपी पीसीएस परीक्षा सैद्धांतिक रूप से पुराने पैटर्न यानी एक दिन में कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है जो सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द से जल्द डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा यानी कि 10,76,004 अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की उम्मीद है। पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की जानी। आपको बता दें कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर पिछले 4 दिनों से आरओ एआरओ परीक्षा के मुद्दे को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं पीसीएस के अभ्यर्थी भी इसी में शामिल थे। हालांकि अभी तक आरओ एआरओ की समस्या का समाधान नहीं हो चुका है, जिसके बाद वो अभी भी आयोग के बाहर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि आरओ एआरओ परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए, जिससे उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा छात्र नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के बाद आयोग ने आरओ एआरओ परीक्षा के मुद्दे पर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एक समिति का गठन किया गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि समस्या का कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थियों का धरना खत्म होगा या फिर नहीं, ये कह पाना जरा मुश्किल है।